एक अहम तरीन खबर से आपको आ कर रहे हैं। आडियो लीक मामला शौकत तरीन के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। FIA ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला नसर उल्लाह ने इजाज़त दे दी। एक अहम तरीन खबर से आपको आ कर रहे हैं। आडियो लीक मामला शौकत तरीन के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। FIA ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला नसर उल्लाह ने इजाज़त दे दी। एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह रहे हैं। आडियो लीक मामला शौकत तरीन के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। FIA ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला नसरुल्लाह ने इजाज़त दे दी। एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह रहे हैं। आडियो लीक मामला शौकत तरीन के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। FIA ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला नसरुल्लाह ने इजाज़त दे दी। आडियो लीक मामले शौकत तरीन के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल होगी। हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। FIA किसी वक्त शौकत तरीन को गिरफ्तार कर सकती है।